अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैड कैम सब्जेक्ट कोड है मैक 352। इसके साथ आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2015। चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, न्यू पे जाना है। न्यू पे आपने पार्ट मॉड्यूल में स्टैंडर्ड डॉट IPT ये सिलेक्ट करना है। अच्छा, पहले मैं बताता चलूँ, आज के हम लेक्चर में जो हमारे कंस्ट्रेंट प्रीवियस लेक्चर में रह गए थे, वो कंस्ट्रेंट्स देखेंगे और अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कैसे उनको अप्लाई किया जाता है और उनका मकसद क्या है। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे आप 2D स्केच पे और आपने XY प्लेन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, XY प्लेन ये सिलेक्ट हो गया। अब हम जाएंगे यहां पे लाइन पे, एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, रैंडम ये मैंने एक डिग्री पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, एंटर दबाएंगे। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि इसको हॉरिजेंटली अलाइन होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये देखें कॉन्स्ट्रेंट में पड़ा हुआ है हॉरिजेंटल कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और इस लाइन को क्लिक कर देंगे। ये देखें अब ये हॉरिजेंटली अलाइन होगी। ठीक है, ये हॉरिजेंटल का साइन है कि यानी कि अब हॉरिजेंटल कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई हो चुका है। अब हम अगर वर्टिकल कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हैं, इसी तरह एक लाइन लगा लें, रेंडम एंटर दबाएंगे। अच्छा, एक दूसरा तरीका यह है कि यहां पे आपके पास चूंकि कॉन्स्टेंट्स आप देख रहे हैं उन पे नाम फौरी नहीं आता, आप यहां पे एस्केप करें पहले, एस्केप। ठीक है, राइट क्लिक करें, यहां पे है क्रिएट कॉन्स्टेंट। अब यहां पे इनके बाय नेम आपको शो हो रहा है कि कौन कौन से कॉन्स्टेंट यहां पे मौजूद हैं। ठीक है, यहां पे हमने उठा लेना है वर्टिकल कॉन्स्टेंट। ठीक है, वर्टिकल कॉन्स्टेंट हमने सेलेक्ट किया, इसको वर्टिकली उसने कॉन्स्टेंट कर दिया है। अच्छा, अब मजीद दो लाइनें लगाते हैं यहां पे हम, एक और ये दूसरी लाइन। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट देखें उसने वर्टिकल कॉन्स्ट्रेंट जो है उसके ऊपर अप्लाई कर दिया हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों लाइंस आपस में लेंथ वाइज बराबर हों। ये हमारे पास है इक्वल कॉन्स्ट्रेंट। इक्वल कॉन्स्ट्रेंट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट दिस वन और उसके बाद दूसरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एक को। ये दोनों लाइनें अब क्या हैं, आपस में इक्वल हो गई हैं। अब डायमेंशनली देख सकते हैं, डायमेंशन पे जाके ये इक्वल हैं कि नहीं हैं, आपको तसल्ली के लिए आपकी, ये देखें 7.795। ठीक है, इसकी डायमेंशन है, इसको मैं 7 कर देता हूं। ये देखें अब साथ ही उसने दूसरी लाइन को भी 7 कर दिया होगा। ये फिर डायमेंशन पे गए हम और इसको डायमेंशन को सिलेक्ट किया, तो ये देखें ये हमारे पास ये जो लाइन है इसकी लेंथ है वो ऑलरेडी 7 हो चुकी है। क्योंकि एक साइड पे मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ डायमेंशन, इसलिए उसने इसके साथ डायमेंशन शो नहीं की। इनको डिलीट कर लेते हैं, कंट्रोल जी करें या अनडू कर दें ताकि हमारे पास स्पेस खाली हो और हम मजीद जो है कंस्ट्रेंट जो है अप्लाई करके देख सकें। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक कंस्ट्रेंट देखते हैं। ये एक लाइन लगाई आपने, उसके बाद चले गए यहां पे स्प्लाइन के पास। ठीक है, एक स्प्लाइन बना दी, कोई भी रैंडम ये पॉइंट्स लेके मैं स्प्लाइन क्रिएट कर देता हूं। अच्छा, अब देखें ये वाला जो कॉर्नर है जहां पे मेरा कर्सर है, ये कॉर्नर क्या है, शार्प है। मैं चाह रहा हूं कि ये कॉर्नर स्मूथ हो जाए, तो उसके लिए क्या है, स्मूथ कॉन्स्टेंट। आपने क्या करना है, इस कर्व को सिलेक्ट करना है, देन सिलेक्ट करना है इस लाइन को, तो ये देखें उसने उसे स्मूथ कर दिया है। ठीक हो गया, ये स्मूथ कॉन्स्टेंट अप्लाई हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये लाइन जो है ये इसके एज के साथ मिल जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, कॉर्नर्स को कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट कॉन्स्टेंट पे गए हम और सिलेक्ट किया दिस कॉर्नर और एंड दिस कॉर्नर। ठीक हो गया, ये दोनों उसने क्या कर दिए, कॉन्साइड कर दिए हैं, दोनों एजेस या कॉर्नर्स को मिला दिया है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ कि मजीद कॉन्स्टेंट देख लेते हैं। एक लाइन लगाते हैं, एंटर, इसी तरह एक दूसरी लाइन लगा देता हूं मैं किसी भी एंगल पे, रैंडम एंगल पे। ठीक हो गया, अब क्या करना है, मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों कोलिनियर हों, यानी कि इन लाइन हो, इनका एक्सिस सेम हो। उसके लिए सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन,
उसने क्या किया है, अब देखें ये दोनों लाइन को इन लाइन कर दिया है, इनका एक्सिस सेम हो गया है, ठीक हो गया। यहां तक आपको उम्मीद है कॉन्स्टेंट समझ आ गए होंगे, मतलब आप देखना चाहें अगर कॉन्स्टेंट आपको वहां पे ऊपर विंडो में समझ नहीं आ रहा है तो राइट क्लिक करके यहां पे क्रिएट कॉन्स्टेंट पे चले जाएंगे तो आपको ये चीज जो है सारी कॉन्स्टेंट पैरेलल परपेंडिकुलर ये हम पिछले उसमें लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमें देखते हैं कि फिक्स कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट रह गया जो क्या है फिक्स कॉन्स्टेंट। अभी ये लाइन्स आपको ग्रीन नजर आ रही है, ठीक है, आप इनको लाइन्स को जो है अगर एक लाइन लगा लेते हैं हम मजीद एंटर स्केप, अच्छा इस लाइन को मैं जहां मर्जी चाहूं मूव कर सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं उठा के ऊपर ले आया हूं, अब मैं चाह रहा हूं कि इसकी मूवमेंट को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, उसके लिए क्या होगा, ये है हमारे पास कॉन्स्टेंट फिक्स कॉन्स्टेंट, इसको मैं फिक्स कर देता हूं। ये देखिए ऊपर एक लॉक बना आ गया, यानी कि ये कॉन्स्टेंट अब लगने के बाद इसकी पोजीशन को मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक हो गया। इसको अगर मैं चाहूं भी मूव करना तो मूव नहीं हो रहा, ये ठीक हो गया। हाँ इसकी लेंथ अगर बढ़ाना चाहूं तो वो उसी डायरेक्शन में उसी एक्सिस के अलोंग उसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इसे आप ऊपर नीचे मूव करना चाहें वो नहीं, सेम एक्सिस पे आप इसे जो है लेंथ को बढ़ा सकते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि मैंने एक कॉन्स्टेंट अप्लाई कर दिया, उस कॉन्स्टेंट को अब मैं रिमूव कैसे करूं, उसके लिए क्या होगा, जैसे ही आपने कॉन्स्टेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डिलीट का। फॉर एग्जांपल हम इसे देख लेते हैं, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, देखें जैसे आप कॉन्स्टेंट के ऊपर लेके जाते हैं रेड कलर का उसे शो कर देता है कॉन्स्टेंट को, ठीक है। ये हमने कोलिनियर का किया था, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं तो ये आ जाता है डिलीट, हम इस कॉन्स्टेंट को डिलीट कर देते हैं तो वो कॉन्स्टेंट रिमूव हो गया। इसको दोबारा देख लेते हैं किसी और जगह अप्लाई करके, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो इसको मैं डिलीट करता हूं, ये डिलीट कॉन्स्टेंट हो गया। उसके बाद लाइन का दोबारा से कलर जो क्या है ग्रीन हो चुका है और इस लाइन को मैं उठा के मूव कर सकता हूँ अपनी मर्जी की लोकेशन पर, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको कॉन्स्टेंट अप्लाई करना, कॉन्स्टेंट रिमूव करना और किस मकसद के लिए कॉन्स्टेंट अप्लाई किए जाते हैं वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इससे मजीद आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।